यानी कि योगी सरकार में बुजुर्ग विधवा महिला को नहीं मिल पा रहा इंसाफ। जी हाँ, रामपुर के रहने वाली नाजुक जहां ने अधिकारियों के चक्कर काटे, मगर अधिकारियों ने बुजुर्ग महिला की नहीं सुनी। जानेंगे बुजुर्ग महिला आज हमारे साथ हैं, क्या मामला चल रहा है आपका? मेरा ये मामला है कि उन्होंने अब से 4 महीने पहले भी मैंने शिकायत सब जगह करी, रिपोर्टें लिखवाई, कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने 11 फीट का गैरेज बना लिया, वो भी म्यूनिसपलिटी की जगह में, और मेरे आने जाने की जगह 50 साल पुरानी थी वो उन्होंने बंद कर दी। किन्होंने बंद कर दी, कौन लोग हैं? वो हैं अजीम बानो और मशकूर मियाँ और महमूद खां और उनके साथ में गुंडे बदमाश। मैंने मना करा कि मेरा दरवाज़ा क्यों बंद कर रहा हो, क्यों चुनाई कर रहा हो, तो मुझे धक्का दिया और मुझे गाली गलौज करी और मेरे पर हमला करने लगे। पूजा और पूजा जो थी, इन्होंने खड़े होके पूजा ने करवाया, पूजा उनसे मिल गई और पूजा ने उनका साथ दिया, मेरा साथ नहीं दिया। चौकी इंचार्ज है पीले थाने की, उन्होंने मेरे साथ ये बदसलूकी कराई। आपका दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया गया? और ये कोई उसकी जगह नहीं थी किसी के घरों की, ये म्यूनिसपलिटी की जगह है, वो भी आती थी मैं भी आती थी। 17 फीट जगह थी, मुझसे ये कहा कि हम गैरेज बना लें, 6 फीट तुम्हें दे देंगे। अब कह रही कोई तुम्हारा हिस्सा नहीं, कोई जाने जाने की जगह नहीं, कहीं और से जाओ, ये तो हम बंद करेंगे, हमारी जगह है। और 17 फीट जगह लंबाई में है और 8 फीट चौड़ाई में थी। इनका तो दरवाज़ा अंदर था, मेरा जहाँ है वो हुई है और इन्होंने दीवार चुन दी। अच्छा, कब से आप अधिकारियों से इस मामले को लेकर शिकायतें कर रही हैं? महीने से शिकायतें कर रही हूँ, थाना कचहरी हर तरफ जा रही हूँ, कोई मेरी सुनवाई नहीं। मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मैं रान बेवा औरत, जाकिर खान मरहूम की बीवी हूँ, मेरे बच्चे मजदूरी करने वाले, उनके हालात इतने नहीं है जो कि हम लड़ाई झगड़ा लड़ें। हम सीधे सादे लोग हैं, वो हैं बदमाश लोग, पैसे वाले लोग। वो मेरी सुनी नहीं, मुझसे बहुत बदतमीजी करी 10-12 गुंडों ने। कह रहे थे अंदर जा रही नहीं जा रही, या तू पिटेगी। लगातार बुजुर्ग महिला का जो कहना है, उन्होंने कहा कि मेरे घर का दरवाज़ा बंद कर दिया गया, रातों रात दीवार खिंचवाने का सिलसिला अभी भी जारी है और पुलिस से लगातार नाजुक जहां जो हैं शिकायतें कर रही हैं। उनका कहना है कि मुझे इंसाफ मिले। दरअसल जहां उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री अपराधी हो या भूमाफिया, हर किसी के खिलाफ लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर कार्रवाई हो रही है, तो रामपुर में आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं मिल पा रहा नाजुक जहां को इंसाफ? कब मिलेगा इन नाजुक जहां को इंसाफ? ये सरकारी जगह है, म्यूनिसपलिटी की जगह है, ये मेरा आने जाने का रास्ता 50 साल पुराना। मैं शादी होके आई हूँ तो इसी दरवाजे से आई हूँ, और ये खरंजा सरकारी है, म्यूनिसपलिटी का है, किसी के कागज़ में नहीं है लिखा हुआ, आने जाने का रास्ता है। दरअसल नाजुक जहाँ का कहना है कि वो रास्ता है एक नगर पालिका द्वारा जो जगह पड़ी थी, वो रास्ता है आम तरीके का रास्ता है, सभी लोगों की वहाँ पर आवाजाही रहती है। हमारा दरवाज़ा सालों से है, हमने आना निकलना जाना भी उसी गेट से है, जो दरवाज़ा अब बंद करने के कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आदि तरीके से भी अधबनी दीवार चुनवा दी गई है, जिसे रामपुर गंज पुलिस की ने नाजुक जहां की शिकायत पर रोक दी है। हमारे साथ यहां पर रामपुर के मशहूर एडवोकेट रिहान खान भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे जो वो इस केस को देख रहे हैं। जी रिहान भाई, क्या मामला चल रहा है नाजुक जहां को लेकर, जो लगातार नाजुक जहां रामपुर के प्रशासनिक अधिकारियों से जो है शिकायतें कर रही हैं, रामपुर पुलिस से भी शिकायत की है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले पर? मामला यह है कि ये नाजुक जहां हैं पीड़िता पत्नी स्वर्गीय जाकिर अली खां, मोहल्ला चा खजान खां पे रहती हैं, ये थानागंज क्षेत्र में पड़ता है। इनका पुराना मकान है और इन्होंने 1983 में ये मकान ख़रीदा है। मकान जिस वक्त ख़रीदा था तो वो पुराना मकान था, पुराना बना हुआ था, तो उस वक्त भी दरवाज़ा मकान का जहां आज लगा हुआ है दरवाज़ा, वहां उस वक्त भी दरवाज़ा वहीं लगा हुआ था। उसके बाद इन्होंने मकान का जब भी 15-20 साल पहले निर्माण कराया जिस मकान में रहती हैं, तो आज भी वो दरवाज़ा उसी दरवाजे से ही आती और जाती थी, वो निकास का है। अब बराबर में एक अजीम बानो रहती है और उसके भाई हैं दबंग, बहुत बड़े बदमाश हैं, पैसे वाले हैं, माफिया हैं, सब नंबर दो के काम करते हैं और उनको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो मौजूदा विधायक हैं उनके बलबूते पर उन्होंने वो पुलिस से सांठगांठ करके, पुलिस को नफा नाजायज़ दे करके,
जो चौकी प्रभारी पूजा यादव है पीला तालाब की, और मौजूदा कोतवाल हैं उनकी भी, जो लव सिरोही हैं उनकी भी पोजीशन बहुत डाउटफुल है। आज मुझे ये इस बात का अंदाज़ा हुआ जब मैं उनसे खुद मिला, तो उन्होंने कल ये शिकायत कर दी गई थी। और इससे पहले 4 महीने पहले भी हमने शिकायत की थी RDA, नगर पालिका परिषद, जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी हमने शिकायत की थी। उस पर कार्रवाई की थी, नगर पालिका द्वारा ये चेतावनी दी गई थी अधिमानों को, इन तमाम लोगों को, कि आप जो है ये नगर पालिका की आराधी पे आप निर्माण नहीं करेंगे। उसके बावजूद जो है उसने साठगांठ करके और राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करने के बाद जो है उसने नगर पालिका की जगह पर पिलर खड़े करे, लिंटर डाला, और जब ये सब कार्यवाही कर ली तो कल उन्होंने गुंडे बदमाशों को पुलिस के संरक्षण के और राजनीतिक संरक्षण के तहत जो है उन्होंने कल अजीम इसका नाजुक जहां जो पीड़िता हैं उनका दरवाज़ा बिल्कुल बराबर से चुन दिया और उनका घर बंद कर दिया। वो घर के अंदर बने, उसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, सब घर के अंदर बने हैं और रो रहे हैं। कल से बुरा हाल है। और पुलिस जो पूजा यादव जो है पीला तालाब की चौकी प्रभारी, ये तमाशा देख रही है। इसको मैंने अपना भी कहा, इंस्पेक्टर साहब से कल कहा, कल CO साहब से भी फ़ोन पर वार्ता हुई, उनको फोटोग्राफ भी देखी किस तरीके से गुंडई बदमाशी हो रही है। एक तरफ पुलिस योगी आदित्यनाथ जी का यह आदेश है कि गुंडे माफियाओं बदमाशों के खिलाफ जो है कार्रवाई करें, ऊपर से पुलिस जो है ये तमाशा दिख रही है। और ये ऐसी छोटी वारदात नहीं है, ऐसी वारदातों से ही लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता है। इसमें बड़ा झगड़ा भी हो सकता था, इसमें कुछ भी हो सकता था, जानी माली नुकसान भी हो सकता था, मगर जो पीड़ित पक्ष है वो कानून भरोसा करने वाला है, पुलिस प्रशासन पर भरोसा करने वाला है, और इस कारण जो है पुलिस प्रशासन तमाशबीन बनी हुई है। और मैं आज खुद गया था, इंस्पेक्टर साहब से खुद मिला मैं व्यक्तिगत, और मैंने उनके साथ में मैंने आपने कल जाने के बाद देखने की जहमत नहीं हुई, जबकि आपके पास फ़ोटो आ गए थे, और मेरी वहाँ पर काफ़ी जिद बहस भी हुई। मैंने एक विधवा महिला, पीड़ित महिला, जबकि मुख्यमंत्री जी का क्या आदेश है कि महिलाओं को जो है महिलाओं के जो भी समस्याएं हैं उनको सर्वप्रथम निस्तारण करा जाए, लेकिन पुलिस थानेगंज की पुलिस तमाशबीन बनी हुई है और किसी अनहोनी का इंतजार कर रही है, और खुला हुआ जो संरक्षण दे रखा है उन्हें, और इस तरीके से पूरा घर बंद कर दिया गया है और पूरा परिवार जो घर के अंदर बने। अब के पुलिस वाले अभी पहुंचे थे तो कह रहे हैं कि साहब वो गैरेज से निकले हैं, आप कल को गैरेज बंद कर दिया जाएगा, तो कहेंगे सीढ़ लगा के घर से आओ और फिर सीढ़ लगा के जाओ। तो इस तरह खुला मतलब गुंडाई बदमाशी हो रही है। और ये पीड़ित हैं, विधवा हैं, महिला हैं, बुजुर्ग महिला हैं, ये कल से ठोकरे खा रही हैं और मैं भी इनके साथ जो है भागा भागा फिर रहा हूँ, और कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। और बस ये कह रहे हैं कि हाँ कोई बात होगी तो हम जो है कार्रवाई करेंगे। झगड़े का इंतजार कर रही है पुलिस कि दोनों में जो है आपस में झगड़ा हो, हिंसा हो, और हम फिर कार्रवाई करें। तो बहरहाल जो है अब क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप? हम कह रहे हैं कि बताया, शिकायतें भी की हैं रामपुर के अधिकारी। हाँ, हम ये मांग करते हैं कि ये गुंडे बदमाश जो हैं, मशहूर है, महमूद है, तमाम जो नाम बता रही हैं, मैं तो चेहरे से नहीं जानता हूँ, मैं सामने आने पर देख लूँ, शायद जानने वाले हों मेरे, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और जल्द से जल्द जो है वो दीवार जो दरवाज़ा बंद करा है, वो बच्चे उसके अंदर बन हैं, औरतें बन हैं, इनकी बहुएँ बन हैं, छोटे छोटे बच्चे बन हैं, उसको खुलवाया जाए और इनके खिलाफ़ FIR कराया जाए। और पुलिस FIR नहीं करेगी तो मैं न्यायालय में नाजुक जहां की तरफ से कोतवाल के खिलाफ, चौकी प्रभारी के खिलाफ, और जितने भी संबंधित पुलिसकर्मी हैं और तमाम ये गुंडे बदमाश, इनके खिलाफ मैं न्यायालय में 153 का प्रार्थना दूंगा और जो है यहां तक हाईकोर्ट तक जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, क्योंकि इनकी जवाबदेही बनती है। कल को कानून व्यवस्था अगर बिगड़ेगी तो उसका जो ठीकरा फोड़ेंगे पीड़ित पक्ष फोड़ेंगे, और ये इंस्पेक्टर गंज और ये जो चौकी प्रभारी है इसका क्या नाम है पूजा यादव, ये तमाशबीन बनी हुई देख रही हैं कि थोड़ा सा हिंसा फैले, कानून व्यवस्था भंग हो, और हम फिर जो है इस पे जो इनका नाजुक जहां का जो दरवाज़ा बंद करने की बात आ रही है, दरवाज़ा बंद किया जा रहा था उस टाइम, सूचना दी थी आपने पुलिस के अधिकारी? सूचना हमारी 4 महीने पहले से है, हमने अपर पुलिस अधीक्षक महोदय को, कप्तान साहब को, जिलाधिकारी को, RDA को, नगर पालिका को, और तमाम डिपार्टमेंट में कह रहा था। काम आज से नहीं चल रहा है, काम 4 महीने से चल रहा है। नगर पालिका की तरफ से चेतावनी दी गई थी कि ये सरकारी आराधी है, नगर पालिका की आराधी है, इस पर कोई लिंटर नहीं डाला जाए। पहले उन्होंने नगर पालिका की आराधी कब्जाई, लिंटर डाला उसके ऊपर, पिलर खड़े करे, और अब जब उन्होंने कर लिया, गेट वगैरह लगा लिया, तो अब उन्होंने हमारा दरवाज़ा बंद कर दिया, जो हमारा 50 साल पुराना दरवाज़ा है पीड़िता का,
पुराने मकान का भी था, अब जो जिन्होंने बनाया 15-20 साल पहले जो भी टाइम हो गया उसमें भी दरवाज़ा उसी जगह लगाया गया, कोई नया दरवाज़ा नहीं है। बहरहाल रामपुर के मशहूर वकील हमारे साथ रियान खान हैं, उन्होंने बताया कि 4 महीने से लगातार नगर पालिका हो या रामपुर पुलिस के अधिकारी उनसे बराबर नाजुक जहां पीड़ित जो हैं वो शिकायतें कर रही थी, मगर उसके बावजूद भी अब आने के बाद नाजुक जहां का दरवाज़ा भी बंद कर दिया गया है। अब इसमें देखना ये होगा आखिरकार इस विधवा महिला नाजुक जहां को कब मिलेगा इंसाफ। कैमरा जर्नलिस्ट डॉक्टर सैफुल्ला के साथ उबैद खान, 4 मीडिया न्यूज़, रामपुर।